तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। एम्बर एंटरप्राइजेस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 7.99% की यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है ये यहाँ पर अपने सपोर्ट के ऊपर यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2774 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक हमारे पास स्टॉक में जो ट्रेंड है वो हायर हाई वाला ट्रेंड है। लेकिन अगर स्टॉक ने यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में लोअर लोअर ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2663 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2551 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2458 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऐसा नेक्स्ट आपको सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अभी रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 288 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3087 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेज़ी एक अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3283 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3563 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 4047 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।